सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां सर्वेषां स्वागतम अस्ति। मम नाम अंजना साव अस्ति। प्यारे बच्चों, आप सभी SCERT द्वारा संचालित पढ़ई तुहर द्वार के इस ऑनलाइन कक्षा का निश्चित रूप से घर बैठे लाभ ले रहे होंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाई के इस क्रम में कक्षा 8वीं मनोरमा संस्कृत के 10वां पाठ राष्ट्रीय संचय का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से आप सभी में संचय करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया गया है। जैसे हम सभी क्या करते हैं, गुल्लक में पैसे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं और जब वह गुल्लक भर जाता है तो उसे फोड़ते हैं और देखते हैं कि हमने तो एक एक पैसा इकट्ठा किया, परंतु बाद में वह तो इतना सारा पैसा निकला और हम सभी बहुत खुश होते हैं और उन पैसों का उपयोग किसी अच्छे कार्य में करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से, यह तो एक छोटा सा उदाहरण था, इस पाठ के माध्यम से राष्ट्रीय संचय के विषय में अच्छे से आपको जानकारी दी गई है। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम यह पाठ संवादात्मक है तो हम इस पाठ में शिक्षक तथा उनके 5 विद्यार्थियों की आपस में वार्तालाप को यहाँ प्रस्तुत किया गया है और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से संचय की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया है। तो चलिए बच्चों, यहाँ देखिए 10वां पाठ राष्ट्रीय संचय। ऊपर में बैंक का चित्र है जिसे हम हिंदी में कोषालय कहते हैं और नीचे में डाकघर का चित्र है जिसे पत्रालय कहते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम शिक्षक तथा छात्र छात्राओं के कथन को संवाद के रूप में देखते हैं। ख्याति कहती है, गुरो अस्मिन् वृक्षे किं लम्बते। देखिए यहाँ नीचे चित्र दिया गया है। इस चित्र में पेड़ की एक टहनी पर कुछ लटका हुआ सा दिख रहा है। आपको दिख रहा है ना बच्चों, आपको तो समझ में आ गया होगा ये क्या है। क्या है बच्चों, चलिए आप सोचिए, तब तक मैं आपको ख्याति क्या कहती है उसका अर्थ को बताती हूँ। गुरो अस्मिन, गुरो यह एक संबोधन है, अस्मिन इस वृक्षे वृक्ष में, किम क्या, लंबते लटका है। ख्याति कहती है, गुरुदेव इस वृक्ष में क्या लटका है। शिक्षक जवाब देते हैं, ख्याति किम त्वमेतम न जानासि अयम मधुकोशः। ख्याति क्या, त्वमेतम तुम, यह न, यह एक अव्यय है और जिसका अर्थ होता है नहीं, जानासि ज्ञा धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का पद है जिसका अर्थ होता है जानती हो, अयम यह मधुकोशः मधुमक्खी का छत्ता। ख्याति क्या तुम नहीं जानती हो, यह मधुमक्खी का छत्ता है। देखे बच्चों, चित्र से आपको स्पष्ट हुआ, याद आ गया होगा कि यह मधुमक्खी का छत्ता है। हाँ, ख्याति को समझ नहीं आ रहा था कि वृक्ष में क्या लटका हुआ है, तो ख्याति ने अपने शिक्षक से पूछा, गुरुदेव इस वृक्ष में क्या लटका है। तो शिक्षक उसे बताते हैं, ख्याति क्या तुम नहीं जानती हो, यह मधुमक्खी का छत्ता है। प्रत्युष एक अन्य विद्यार्थी है, वह पूछता है, कस्माद मधुकोशो अयम निर्मितः। कस्मात किससे, मधुकोशोयम मधुकोशः धन अयम, यहां विसर्ग संधि है और इसका अर्थ होगा मधुमक्खी का छत्ता यह निर्मितः। निर धन मा धन त प्रत्यय, निर्मित किससे, यह मधुमक्खी का छत्ता निर्मित हुआ है। शिक्षक कहते हैं, प्रत्युष मधुमक्षिका सनैः सनैः पुष्प रसम आहृत्य एकत्रितं कुर्वन्ति, यदि कोऽपि मधु ग्रहीतुम् आयाति तर्हि मक्षिका तं दशन्ति। शिक्षक बताते हैं, प्रत्युष उसको
प्रत्युष के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रत्युष मधुमक्षिका, मधुमक्खियां शनै शनै धीरे धीरे पुष्प रसम, पुष्प रस को फूलों के रस को आहृत्य लाकर एकत्रितम एकत्रित कुर्वन्ती करते हैं। देखिए बच्चों, चित्र में यहाँ नीचे में मधुमक्खी फूल पर बैठी है और वह फूल का रस चूस रही है, ले रही है, और वह उस फूल के रस को लाकर मधुमक्खी का छत्ता बनाती है, निर्मित करती है। दिखा बच्चों आपको? हाँ, देखिए नीचे में एक फूल के ऊपर बैठी हुई है। उसके बाद यदि को अपि मधु ग्रहितुम आयाति तरहि मक्षिका तम दसंती। यदि यदि को अपि कह धन अपि, यहाँ भी विसर्ग संधि है, कोई भी मधु शहद ग्रहितुम आयाति, ग्रहितुम लेने के लिए, यहाँ तुमुन प्रत्यय है, आयाति आता है, तरही यह अव्यय है और इसका अर्थ होगा तो मक्षिका मधुमक्खियां तम उसको दसंती डस लेती हैं। देखिए बच्चों, चित्र में वह व्यक्ति आया है मधुमक्खी से, मधुमक्खी के छत्ते से शहद लेने, तो मधुमक्खियां उस पर किस तरह झूम गई हैं और उसके गर्दन के पास चिपक गई हैं, आपको चित्र से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ शिक्षक प्रत्युष को समझाते हैं, प्रत्युष मधुमक्खियां धीरे धीरे फूलों के रस को लाकर एकत्रित करती हैं। यदि कोई भी शहद लेने के लिए आता है तो मक्खियां उसको डस लेती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। लंबते लटकता है, जानासी जानते हो, मधुकोशः मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्षिका मधुमक्खियां आहृत्य लाकर, ग्रहीतुम आयाति लेने के लिए आता है, दसंती डस लेती हैं। चलिए बच्चों, अब इसके बाद शिवा के मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न होता है, उसके मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है और शिवा क्या पूछता है गुरु से। गुरु सनै सनै पुष्प रसै कथम एतावान महान मधु कोशः जायते। गुरुदेव शनै शनै धीरे धीरे पुष्प रसै फूलों के रस के द्वारा, फूलों के रसों के द्वारा, कथम कैसे, एतावान महान इतना बड़ा मधु कोशः मधुमक्खी का छत्ता जायते होता है। गुरुदेव धीरे धीरे फूलों के रस से कैसे इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता होता है या बन जाता है। देखिए बच्चों, नीचे चित्र में मधुमक्खी अपना अपने छत्ते का निर्माण कर रही है, वह फूलों से रस एकत्रित कर करके लाती है और धीरे धीरे उस छत्ते में जोड़ते जाती है और बाद में बहुत बड़े छत्ते का निर्माण हो जाता है। सिवे, अब शिक्षक कहते हैं, सिवे न जानासि इदम वचनम प्रसिद्धम अस्ति, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। शिवे शिवा न जानासि, नहीं जानते हो, इदम वचनम यह वचन, प्रसिद्धम अस्ति प्रसिद्धम धन अस्ति, यहाँ संयोग हुआ है, प्रसिद्ध है। शिवा नहीं जानते हो, यह वचन प्रसिद्ध है। क्या वचन प्रसिद्ध है? देखिए बच्चों, पहले आप चित्र को देख लीजिए तो यह वाक्य आपको ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, नल से एक एक बूंद नीचे गिर रहा है और मटका, उस एक एक बूंद से वह मटका पूरी तरह भर गया है।
तो अब हम इस वाक्य की तरफ चलते हैं। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु के गिरने से, एक एक बूंद के गिरने से क्रमशः पूर्यते। जल बिंदु के, एक एक जल बिंदु के गिरने से पूर्यते, भर जाता है घटः। घटः का अर्थ है घड़ा, अर्थात घड़ा जो है जल की एक-एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। कहने का अर्थ है, देखिए बच्चों, यहाँ दो छोटे-छोटे उदाहरण चित्र में देखिए कि मधुमक्खी कैसे थोड़ा-थोड़ा फूलों का रस लाकर एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता का निर्माण कर लेती है, और जल के एक-एक बूंद टपक टपक कर, गिर-गिर कर किस तरह एक एक नहीं, यहां तो तीन तीन मटके दिखाई दे रहे हैं, तीनों मटके भरे हुए हैं। तो इस तरह यहाँ छोटे छोटे उदाहरण के द्वारा आप सभी में संचय की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देखते हैं, एक विद्यार्थी श्यामा जो है वह अपने शिक्षक से क्या बोलती है। आम, शिक्षक जब उन्हें बताते हैं कि ये जो है मधुमक्खियां थोड़ा थोड़ा रस लाती हैं और एक बड़े मधुमक्खी के छत्ते का निर्माण करती है और जल के एक-एक बूंद से घड़ा भी भर जाता है, तब श्यामा कहती है, आम हाँ ज्ञातव्यम। यहाँ ज्ञा धातु तत् प्रत्यय है, ज्ञातम ज्ञात है, हाँ ज्ञातम का अर्थ होता है ज्ञात है। अहम धन अपि, यहां भी संयोग हुआ है, मैं भी एकैकस्य एक-एक के रूप्यकस्य रुपयों के एक-एक रुपयों के रुपए के संचयेन संचय से संचय के द्वारा इकट्ठा करने से 100 रुपयकाणि संचितवती, 100 रुपए इकट्ठा की। श्यामा कहती है, हाँ ज्ञात है, ज्ञातम में ज्ञा धातु में त प्रत्यय जुड़ा हुआ है, हाँ ज्ञात है, मैं भी एक-एक रुपए के संचय से संचय के द्वारा 100 रुपए इकट्ठा की। देखिए बच्चों, चित्र में गुल्लक में किसी बच्चे के द्वारा सिक्का डाला जा रहा है और बाद में एक-एक करके सिक्का डाला जाता है और धीरे धीरे वह कुछ दिनों के बाद वह गुल्लक पूरी तरह से भर जाता है और नीचे में एक टूटे हुए गुल्लक का और उसके अंदर के पैसों का भी चित्र यहाँ स्पष्ट की दिखाया गया है। तो देखिए कैसे हम थोड़ा थोड़े जो अर्थ है, धन है, उसका संचय करते हैं, और वह बच्ची क्या बता रही है श्यामा, कि मैं एक एक रुपए का संचय की और गुरुदेव मुझे 100 रुपए मैंने संचित कर लिया। शिक्षक कहते हैं, त्वम अस्य धनस्य प्रयोगम कथम करिष्यसि, तुम इस धन का प्रयोग कैसे करोगी या क्या करोगी। श्यामा कहती है, देखिए बच्चों, यहां नीचे जो तीसरा चित्र है वह भूकंप आपदा के कारण हुई त्राही को स्पष्ट कर रहा है। कहने का अर्थ है कि भूकंप आ जाने के कारण घर कैसे ढह गए हैं और लोग कितने परेशान हैं। तो श्यामा, अब इस अर्थ इस चित्र के माध्यम से हम श्यामा के कथन को देखते हैं। गुरो अहम भूचालेन पीड़ित जनानां सेवार्थम इदं धनं समर्पयिष्यामि। गुरु जो है वह संबोधन शब्द है, गुरुदेव मैं भूकंप पीड़ित लोगों की सेवा के लिए इदं यह धन समर्पयिष्यामि, समर्पित करूंगी। यह लिट लकार का पद है, भविष्यकाल, करूंगी, समर्पित करूंगी। श्यामा कहती है कि भूकंप होने के बाद लोग बहुत, उनके घरों का नुकसान होता है, तो भूकंप पीड़ित लोगों के लिए मैं अपने इस धन को दे दूंगी, अर्थात दान कर दूंगी। अब उसके बाद
कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम देखते हैं। कथम, कैसे, जायते, होता है, निपातेन, गिरने से, पूर्यते, भरता है, घट, घड़ा, ज्ञातम, समझ गया, संचयेन, संचय से, करिष्यसि, करोगे। अब उसके बाद शिक्षक कहते हैं, बाढ़म त्वं द्वे कार्ये साधु अकरोह प्रथमं स्वव्ययार्थं प्राप्तस्य धनस्य संचयः द्वितीयं च तस्य संचितस्य धनस्य भूचाल पीड़ित जनानां सहायतार्थं प्रदानम्। अब शिक्षक जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वे कहते हैं, बाढ़म अवश्य त्वं द्वे कार्ये साधु अकरोह, तुमने दो कार्य, साधु का अर्थ होता है अच्छा, अकरो किया, तुमने दो कार्य अच्छा किया, प्रथमम पहला स्वव्ययार्थम अपने व्यय के लिए, अपने खर्च के लिए, प्राप्तस्य प्राप्त धनस्य धन का, संचयः संचय किया। देखिए बच्चों, आजकल क्या प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है आप सभी बच्चों में, यदि आपके पास पैसा आता है तो आप उस पैसे को ले जाते हो और चॉकलेट खा लेते हो, अर्थात आपके पास जो धन आता है, जो पैसा आता है, आप तुरंत उसका व्यय कर देते हो। लेकिन यहाँ श्यामा ने क्या किया है, अपने पास प्राप्त, अपने को जो उन्हें धन प्राप्त हुआ है, पैसे प्राप्त हुए हैं, वह क्या कर रही है, गुल्लक में जमा कर रही है, अर्थात पैसों का संचय कर रही है। तो इसलिए यहाँ पर शिक्षक कहते हैं कि आपने तो दो दो महान कार्य किया है। क्या किया है, पहला अपने व्यय के लिए प्राप्त धन का, आपको अपने खर्चे के लिए प्राप्त धन का संचय किया है, द्वितीयम च और दूसरा तस्य उस संचितस्य संचित धनस्य धन का भूचाल पीड़ित जनानाम भूकंप पीड़ित लोगों के सहायतार्थम सहायता के लिए प्रदानम प्रदान किया। अवश्य शिक्षक कहते हैं, अवश्य तुम दो कार्य अच्छा किया, तुम्हारे द्वारा दो कार्य अच्छा किया गया, पहला अपने व्यय के लिए प्राप्त धन का संचय किया और दूसरा उस संचित धन का भूचाल पीड़ित अर्थात भूकंप पीड़ित लोगों की सहायता के लिए प्रदान किया गया। शिक्षक कक्षा में, देखिए कक्षायां अन्यान छात्रान संबोध्य, शिक्षक जो है वह कक्षा में अन्य छात्रों को संबोधित करके कहते हैं, क्या कहते हैं, छात्रा श्यामां पश्यन्तु अनया स्वव्ययार्थं प्राप्त धनस्य न केवलं संचयः कृतः अपितु भूचाल पीड़ितेभ्यः प्रदाय सदुपयोगो अपि कृतः। देखिए कहते हैं, छात्रा छात्रों श्यामां श्यामा को पश्यन्तु देखो, देखिए विद्यालय में जब कोई बालक या बालिका अच्छा कार्य करते हैं तो शिक्षक द्वारा उन्हें संबोधित किया जाता है, बताया जाता है कि, और अन्य बच्चों के सामने उसे उसका एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया जाता है और बताया जाता है कि देखो बच्चों छात्रों श्यामा को देखो, अनया इसने अपने व्यय के लिए प्राप्त धनस्य प्राप्त धन का केवलम केवल संचय कृतः, इसने अपने व्यय के लिए प्राप्त धन का संचय किया, न केवलम संचय कृतः न केवल संचय किया अपितु बल्कि भूचाल पीड़ितेभ्यः भूकंप पीड़ित लोगों के लिए प्रदाय
सदुपयोगो अपि कृतः, बल्कि भूकंप से पीड़ित लोगों को देकर इसका सदुपयोग भी कृतः किया। यहाँ कृ धातु त प्रत्यय लगा हुआ है, कृता बन गया है। तो एक बार और, शिक्षक क्या कहते हैं, छात्राओं श्यामा को देखो, इसने अपने व्यय के लिए प्राप्त धन का न केवल संचय किया बल्कि भूकंप से पीड़ित लोगों को देकर सदुपयोग भी किया। अब इसके बाद देखिए क्या कहता है, गुरो धन संचयस्तु कोशालय पत्रालय माध्यमेन च भवति, कृपया भवान तद विषये अस्मान उपदिशतु। गुरु गुरुदेव को संबोधित करते हुए, शिक्षक को संबोधित करते हुए कहता है, गुरु गुरुदेव धन संचयस्तु, धन संचय तो कोशालय पत्रालय माध्यमेन, कोशालय का अर्थ होता है बैंक, पत्रालय पत्रालय का अर्थ होता है डाकघर, माध्यमेन माध्यम से च और भवति होता है। गुरुदेव धन का संचय तो, धन संचयस्तु, धन संचय धन तु, यहाँ विसर्ग संधि है, धन संचय तो कोशालय बैंक पत्रालय डाकघर माध्यमेन माध्यम से होता है। कृपया भवान, भवान का अर्थ होता है आप, तद विषये उस विषय में अस्मान उपदिशतु, हमें उपदेश दें, हमें बताएं। गुरुदेव धन का संचय तो बैंक, देखिए बच्चों नीचे चित्र में एक बैंक का चित्र दिया गया है, बैंक में कोई व्यक्ति पैसा जमा करने जा रहा है और उसके बाद एक डाकघर का चित्र दिया गया है। तो पत्रालय का अर्थ होता है डाकघर। यहाँ कहता है बालक कि गुरुदेव धन संचय तो बैंक में और डाकघर के माध्यम से होता है, कृपया आप उस विषय में हमें उपदेश दें या बताएं। शिक्षक कहते हैं, आम छात्रा देशस्य आर्थिक सामाजिक औद्योगिक विकासाय च धनम आवश्यकम्। आम का अर्थ होता है हाँ, छात्रा छात्रों, देशस्य यह षष्ठी विभक्ति एकवचन का पद है, देश के आर्थिक, आर्थिक का अर्थ होता है आर्थिक सामाजिक औद्योगिक, औद्योगिक का अर्थ होगा उद्योगों के, विकाशाय विकास के लिए धनम आवश्यकम्, धन आवश्यक होता है। देखिए बच्चों नीचे चित्र में एक गांव का दृश्य प्रस्तुत किया गया है, तीसरे चित्र में उस समाज के विकास के लिए, और उसके जस्ट बाजू में एक कारखाने का चित्र दिया गया है। इसके माध्यम से यह बताया जा रहा है कि उद्योगों के विकास के लिए। तो शिक्षक कहते हैं हाँ, छात्रों देश के आर्थिक सामाजिक औद्योगिक और औद्योगिक विकास के लिए धन आवश्यक होता है। चलिए बच्चों उसके बाद, गुरो धन प्राप्ते साधनानी कानी कानी, यह ख्याति पूछती है गुरुदेव से कि गुरुदेव धन प्राप्ति के साधनानी साधन कानी कानी कौन कौन से हैं। शिक्षक जवाब देते हैं, देखिए बच्चों नीचे में एक कारखाने का चित्र दिया गया है, उस कारखाने में कील का निर्माण किया जा रहा है, उसके बाजू में एक बैंक का चित्र दिया गया है और तीसरा चित्र हमारा डाकघर का है। तो यहाँ शिक्षक बताते हैं, ख्याति जब प्रश्न पूछती है कि गुरुदेव धन प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं, तब शिक्षक जवाब देते हैं, धन प्राप्ति साधनेषु कर ग्रहणम औद्योगिकोत्पादनम
इत्यादीनि साधनानि निर्यातं सन्ति। कोशालय पत्रालय माध्यमेन च नागरिका संचय राष्ट्रीय संचय योजनांतर्गतं धन संग्रहं कुर्वन्ति। शिक्षक कहते हैं धन प्राप्ति साधनेषु, धन प्राप्ति के साधनों में कर ग्रहणम, कर ग्रहण अर्थात टैक्स, औद्योगिकोत्पादनम, औद्योगिक धन उत्पादनम, यहाँ गुणस्वर संधि है, ऊ को ओ हो गया है, औद्योगिक उत्पादन इत्यादिनी इत्यादि साधनानी साधन निर्यातम संति, अर्थात धन प्राप्ति के साधनों में कर ग्रहण और उद्योगों द्वारा उत्पादित साधनों के निर्यात इत्यादि हैं, अर्थात उद्योगों से जो उत्पाद तैयार किया जाएगा उनका जब निर्यात किया जाता है तो उस पर टैक्स लगाया जाता है। तो धन प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं, एक तो कर ग्रहण अर्थात टैक्स, और दूसरा और उद्योगों से प्राप्त उत्पाद के निर्यात करने के आदि साधन हैं। कोषालय पत्रालय, कोषालय अर्थात बैंक, पत्रालय डाकघर माध्यमेन, बैंक और डाकघर के माध्यम से नागरिका नागरिक राष्ट्रीय संचय योजनांतर्गतम राष्ट्रीय संचय योजना के अंतर्गत धन संग्रहम वंती धन संग्रह करते हैं, अर्थात डाकघर और बैंक में व्यक्ति जा जाकर थोड़े थोड़े रुपए एकत्रित कर जमा करते हैं और बाद में वे थोड़े थोड़े रुपए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अर्थात संचय करने के लिए यह बहुत अच्छा माध्यम है, क्या बैंक और डाकघर। चलिए अब शिवा कहता है राष्ट्रीय संचय योजना का, राष्ट्रीय संचय योजना क्या है। शिक्षक समझाते हैं शिवा को, शासनेन नगरेषु ग्रामेषु च कोषालयानां पत्रालयानां च शाखा स्थापिता तेषु बालका बालिका वयस्काश्च धन संचयं कुर्वन्ति, तत्र पत्रालयानां सेवा विशेष रूपेण उल्लेखनीया अस्ति। शासनेन शासन से नगरेषु नगर में ग्रामेषु च और गांव में, बच्चों नगरेषु और ग्रामेषु यह सप्तमी विभक्ति बहुवचन का पद है, नगरों में और गांव में कोषालयानां बैंकों की पत्रालयानां और डाकघरों की शाखा स्थापिता स्थापित हैं, तेषु उनमें बालका बालक बालिका बालिकाएं वयस्का धन च और वयस्क धन संचयम धन संचय कुर्वन्ति करते हैं, तत्र वहां पत्रालयानां डाकघर की सेवा विशेष रूपेण विशेष रूप से उल्लेखनीय अस्ति उल्लेखनीय है। शासन के द्वारा नगरों में और गांव में कोषालय बैंक और डाकघर की शाखा स्थापित हैं, उनमें बालक और बालक बालिकाएं और वयस्क धन संचय करते हैं, वहां डाकघर की सेवा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, साधु अच्छा बाढ़म अवश्य स्वव्ययार्थम अपने खर्च के लिए पत्रालय डाकघर कोषालय बैंक उपदिशतु उपदेश करें। अब श्यामा पूछती है तत् कथम वह कैसे, मतलब हम कैसे जमा करें। पत्रालय शिक्षक कहते हैं पत्रालय संचालिता अनेका संचय योजना सन्ति, डाकघर
में संचालित अनेक संचय योजना है। पुष्कर पूछता है ताह का वे क्या है। अब उसके बाद शिक्षक बताते हैं कि डाकघर में कौन कौन सी योजना चल रही है। संचय पुरस्कार योजना, संचित संचय योजना, भविष्य निधि योजना इत्यादि। शिक्षक बताते हैं पुष्कर के पूछने पर कि कौन, पुष्कर जब पूछता है कि वे कौन से हैं, संचय योजना कौन कौन से हैं, तब शिक्षक बताते हैं कि संचय पुरस्कार योजना, संरक्षित संचय योजना, भविष्य निधि योजना इत्यादि हैं। श्यामा पूछती है अहो पत्रालयस्य माध्यमेन तु अनेका संचय योजना संचालिता। अहो, अहो का अर्थ होता है वाह या अह। पत्रालयस्य डाकघर के माध्यमेन, माध्यम से, तु तो अनेका अनेक संचय योजना संचालित हैं। श्यामा बता रही है वाह, पत्रालय के डाकघर के माध्यम से तो अनेक संचय योजना संचालित हैं। फिर शिक्षक बताते हैं अथ किम छात्राणाम लाभाय पत्रालय माध्यमेन विद्यालयेषु संचायिका योजनाया अपि व्यवस्था अस्ति। अथ किम तो क्या, छात्राणाम छात्रों के लाभाय लाभ के लिए पत्रालय डाकघर माध्यमेन माध्यम से विद्यालयेषु विद्यालय में संचायिका योजना या संचय की योजना अपि भी व्यवस्था अस्ति है। शिक्षक कहते हैं तो क्या छात्रों के लाभ के लिए डाकघर के माध्यम से विद्यालय में संचय की अनेक योजनाएं भी व्यवस्था संचय की योजना भी व्यवस्था है। अब उसके बाद प्रत्युष बोलता है गुरु संचायिका योजना विषये किंचित कथय। गुरुदेव संचायिका योजना के विषय में कुछ कहें, कुछ बताइए। यह लोट लकार का पद है, आज्ञार्थ है, कहें कुछ कहें। तब शिक्षक बोलते हैं अवश्यम शृणुत। संचायिका योजनायां संचेतुम सुविधा अस्ति। विद्यालयेषु संचालित योजनायां पुरस्कारार्थम व्यवस्था अस्ति। शिक्षक कहते हैं अवश्य शृणुत, सुनो, संचायिका योजना के संचयेतुम संचय के लिए सुविधा है। विद्यालयेषु विद्यालयों में संचालित योजनायां संचालित योजना में पुरस्कारार्थम पुरस्कार के लिए व्यवस्था है। अर्थात जब बच्चे जो हैं बच्चों के द्वारा विद्यालय में अकाउंट खुलाया जाता है, खाता खुलाया जाता है, तो उसमें विद्यार्थी स्वयं भी उसमें अपना धन का संचय कर सकते हैं, उसमें पैसों को जमा कर सकते हैं। तो उस विषय में शिक्षक बता रहे हैं कि डाकघर के द्वारा संचायिका योजना में विद्यालयों में भी संचालित है और विद्यालयों में संचालित योजना के पुरस्कार की भी व्यवस्था है। अब इसके उपरांत गुरु प्रत्युष कहता है, यहाँ ख्याति कहती है कि गुरु यदि एवं तर्हि वयम् अपि स्वकीयं धनं पत्रालयेषु संचितं करिष्यामः। वह गुरु जो है वह संबोधन पद है, गुरुदेव, यदि एवं तर्हि, यदि इस प्रकार है तो, अर्थात यदि विद्यालय में भी संचय की कुछ योजना है और पुरस्कार भी दिया जाता है तो वयम हम भी, वयम अपि हम सब भी स्वकीयम अपने धन को
स्वकीयम अपने धनम धन को, स्वकीयम धनम अपने धन को, पत्रालयेषु डाकघरों में, संचितम संचित करिष्यामः। यह लिट लकार का पद है, यह उत्तम पुरुष बहुवचन, क्री धातु, करिष्यामः करेंगे। गुरुदेव यदि ऐसा है तो हम भी अपने धन को डाकघर में जमा करेंगे। यह ख्याति कहती है, यह ख्याति का वचन है। तब शिक्षक कहते हैं अवश्यम कुरुत, अवश्य करो, आसाम सर्वासाम योजनानाम विषये विवरणम पत्रालयेभ्य प्राप्तुम शक्यते, छात्रा राष्ट्रीय संचय योजना व्यक्ते सामाजस्य देशस्य च विकासाय सहायिका। शिक्षक कहते हैं अवश्य करो, इन सभी आसाम सर्वासाम, इन सभी योजना नाम, योजना के विषये, विषय में विवरणम, विवरण पत्रालयेभ्य, डाकघर से प्राप्तुम, प्राप्त प्राप्तुम शक्यते, प्राप्त कर सकते हो। छात्रा छात्र राष्ट्रीय संचय योजना, छात्रों के राष्ट्रीय संचय योजना व्यक्ते व्यक्ति के, समाजस्य समाज के, देशस्य और देश के विकास के लिए सहायिका है। शिक्षक यहाँ बच्चों को समझाते हैं कि आप सभी डाकघर और कोषालय में पैसा अवश्य जमा करें, और वह वे कहते हैं अवश्य करो, इन सभी योजना विषय में विवरण पत्रालय से प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों राष्ट्रीय संचय योजना से व्यक्ति के, समाज के और देश के विकास में सहायक है। अब इसके बाद शिक्षक बच्चों को और आगे समझाते हैं भारत सदृश विकासशील देशेषु तु आसाम योजनानां महती उपयोगिता अस्ति, अतः अस्माभिः संचय योजनानां प्रसाराय प्रयत्नो विधेयः तमपि। शिक्षक कहते हैं भारत सदृश विकासशील देशेषु, यह सप्तमी विभक्ति बहुवचन का पद है, देशों में अर्थात भारत के समान विकासशील देशों में, तो यह एक अव्यय है और इसका अर्थ होगा होता है तो, आसाम योजना नाम इन योजना की महती बहुत उपयोगिता अस्ति, उपयोगिता है। यहाँ गुरुजी समझाते हैं कि भारत के समान विकासशील देशों में तो इन योजनाओं की बहुत उपयोगिता है, अतः अस्माभिः इसलिए हमें भी संचय योजना नाम संचय योजना के प्रसाराय प्रसार के लिए प्रयत्नों विधेयः प्रयत्न करना चाहिए। उत्तम अपि कहा गया है, क्या कहा गया है, देखिए एक पंक्ति नीचे लिखी गई है, क्षण सह कण कण सश्चैव विद्यामर्थम चिंतयेत्। क्षण सह क्षण क्षण से, किस चीज का, विद्या का, कण कण से, क्या लिखा है देखिए, कण कणश्चैव कण कण से ही, अब देखिए उसके बाद लिखा है विद्यामर्थम अर्थात विद्या धन अर्थ, यानी विद्या और धन, तो यहाँ अर्थ होगा क्षण क्षण से विद्या का, कण कण से अर्थ का संचय करना चाहिए, अर्थात क्षण क्षण से विद्या के और कण कण से अर्थ के, धन के संचय के लिए सोचना चाहिए। तो प्यारे बच्चों इस पाठ में हमने देखा कि हम छोटे, जब हम बच्चे रहते हैं, छोटे रहते हैं, तो हम अपने धन का संचय गुल्लक में करते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो हम अपने पास प्राप्त धन को हम डाकघर या बैंक में संचय करें।
तो चलिए अब हम इसके आगे कुछ शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। शुणुत सुनो, प्रसाराय प्रसार के लिए, विधेय करना चाहिए, क्षण सह क्षण क्षण से, कण सह कण कण से। अब इसके बाद हम व्याकरणिक तत्वों में संधि को देख लेते हैं। मधु कोश धन अयम, मधु कोशो अयम विसर्ग संधि है। कह धन अपि, कोपि विसर्ग संधि है। सेवा धन अर्थम, सेवार्थम दीर्घ स्वर संधि। इति धन आदय, इत्यादय यण स्वर संधि। पत्र धन आलय, पत्रालय दीर्घ स्वर संधि। अब इसके उपरांत हम प्रत्यय को देख लेते हैं। प्रत्यय निर्मितः, निर धन मा धन त प्रत्यय। देखिए बच्चों, यहाँ आधा क और त लिखा है, इसका उच्चारण कत न करें। इसका उच्चारण क जो है, क की ध्वनि हमारे कंठ से निकलनी चाहिए, अर्थात वह ध्वनि बाहर नहीं आना चाहिए। कत जो लिखा है इसका हम उच्चारण त इस प्रकार करें। तो निर्मित निर्धन मा धन त प्रत्यय, ज्ञात ज्या धन त प्रत्यय, प्रदाय प्र धन दा धन ल्य प्रत्यय, सामाजिक समाज धन ठक प्रत्यय, औद्योगिक उद्योग धन ठक प्रत्यय, कृत कृ धन त प्रत्यय, राष्ट्रीय राष्ट्र धन छ ई प्रत्यय। अब हमने इस पाठ को समझ लिया है और इसके भाव को भी ग्रहण कर लिया है। तो चलिए बच्चों, हम अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पाठ में आए अव्यय पदों को छांटकर बताइए। आप अपना चैट बॉक्स ऑन कर लें और चैट बॉक्स में दे या माइक ऑन कर लें और माइक के द्वारा आप इस प्रश्न के उत्तर को दे सकते हैं। मैंने पाठ को समझाते समय बताया है कि कौन सा पद अव्यय है। हाँ, बहुत अच्छा, आपने जो जवाब दिया कि इस पाठ में न जो शब्द है वह एक अव्यय है, बहुत अच्छा है। इस तरह से और बाकी भी बच्चों के जवाब आने चाहिए। चलिए, आप बाकी भी बच्चे और जो उत्तर दे चुके हैं वे भी प्रयास कीजिए। और क्या क्या शब्द हैं जो अव्यय हैं? हाँ, बहुत अच्छा, तरही शब्द जो है वह भी एक अव्यय है, च च भी अव्यय है। इस तरह से और अनेक पद हैं जो मैंने पाठ को पढ़ाते समय आप लोगों को बीच बीच में बताया है कि ये शब्द अव्यय हैं। तो आप सभी अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन अव्यय पदों को लिखिए। चलिए बच्चों, अब हम हमारे दूसरे प्रश्न में चलते हैं। पाठ में राष्ट्रीय संचय योजना के अंतर्गत धन संग्रह के कौन कौन से माध्यम की चर्चा की गई है? देखिए बच्चों, पाठ को पढ़ाते समय मैंने कई बार आपको बताया कि इस पाठ में इस के माध्यम से हमें धन को संचय करना है और उसके चित्र भी आपके सामने प्रस्तुत किया गया था। कोशिश कीजिए, आप उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय संचय योजना के अंतर्गत हमें धन संग्रह करने के कौन कौन से दो माध्यम के बारे में यहाँ बताया गया है? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हमें ऐसा लगता है कि आपको पाठ समझ में आया। तो चलिए बच्चों, आपके द्वारा बताए गए जवाब को मैं यहाँ बता देती हूँ। यहाँ इस पाठ के माध्यम से, यह पाठ राष्ट्रीय संचय पाठ के माध्यम से बैंक अर्थात कोषालय, जिसे संस्कृत में कोषालय कहा जाता है, और डाकघर जिसे संस्कृत में पत्रालय कहा जाता है, कोषालय और पत्रालय के माध्यम से धन संग्रह करने के, राष्ट्रीय संचय योजना के अंतर्गत धन संग्रह करने के माध्यम को बताया।
चलिए बच्चों, यह पाठ आपको समझ में आया? बहुत अच्छा। और आप सभी इस पाठ से प्रेरित होकर धन संचय करें और हर कार्य को थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करने से ही वह कार्य अपना बृहत हो पाता है और हमें उस कार्य को करने में सफलता मिलती है। इसी तरह आप अपने अध्ययन के क्षेत्र में भी रोज थोड़ा थोड़ा अध्ययन करें और अंत में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। नमो नमः।